टाइमर में मिल्क रिकॉर्ड कितना रहा आपने जो इसका? 17.5 किलो जी। 17.5 किलो। हाँ जी। और दूसरा इलेक्ट्रिशियन में भाई? दूसरे इलेक्ट्रिशियन में इसने 22 किलो निकाला है। अच्छा, दिन। अच्छा, खुशी काल की छुट्टी, काल 2 दिन पहला छुट्टी थी, आज भी छुट्टी मार ली। अच्छा, भैंस बहन की खुशी में। अच्छा, भैंस बहन की खुशी में भाई ने भी छुट्टी मार लिया। तो इसकी मिल्किंग भी थोड़ी थोड़ी दिखा दो एक बार। जरूर दिखाएं जी। चलो पुरसेन भाई, बहुत हो गया होगा, कितना निकालोगे अभी खीस? 2-4 किलो। 2-4 किलो। हाँ, थोड़ी ही आराम मिल जा जोटी को। जी, अच्छा पशुधन है भाई, और उम्मीद करा भाई 25+ का रिकॉर्ड अपने नाम जोटी करे। तो हाँ जी, राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना छोटा भाई राहुल सियाग तो फिर से स्वागत करूं भाई आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल सियाग डेयरी फार्म जुलाना पे। तो भाई लगातार बहुत अच्छा अच्छा पशुधन की वीडियो लेकर के आता रहूं हूं, तो इसी बात पर भाई चैनल ने सब्सक्राइब कर लो, नीचे अपना बेल आइकन भी दबा लियो भाई, साथ में नीचे आपने जो चैनल मेरा दिख रहा होगा तो लाल जो आइकन है प्रेस कर दो भाई, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आज की वीडियो फिर से शुरुआत करा भाई, दोबारा फिर पहुंचे थे आप उकलाना मंडी बूढ़ा खेड़ा गांव के अंदर। तो भाई शायद लगभग 8-9 दिन पहले अपन वीडियो कवर की थी यहाँ से, तब झोटी का बच्चा देने में समय शेष था, पर अब कल बच्चा दे दिया भाई झोटी ने, क्योंकि बहुत से भाई के पास फोन कॉल्स आए कि भाई जब बर्थ पावे और जब बच्चा दे दे तो जरूर बताइयो हमने। तो वीडियो ही ऐसा माध्यम है भाई जहाँ लोगों तक अपनी बात पहुँचा सकते हैं। तो भाई इसी के साथ आज फिर पहुंचे थे अगरसेन भाई के पास। तो राम राम भाई जी। राम राम भाई, और कैसे हो? ठीक है भाई, ठीक हो? ठीक। भैंस ठीक भी आ गई? ठीक भी आ गई। अच्छा, सही है एकदम। एन। चलो फिर इसकी जानकारी आप दोबारा तो देना चाहोगे, क्योंकि देखो एक ऐसी ऐसी चीज हर घर में नहीं मिलती, ये चीज मैं भी समझू हूँ और आप भी समझते हो। ये बात सही है जी। और मैं व्यूअर्स से भी कहना चाहूंगा भाई, कमेंट करके जरूर बताइयो कि ऐसी चीज हर घर में जन्म नहीं लेती, हर घर में नहीं मिलती, क्योंकि ये चीज अनमोल है, मानते होगे भाई साहब इस चीज ने। तो अपना एक बार नाम, गांव और मोबाइल नंबर दोबारा बता दो भाई जी। मेरा नाम उग्रसेन है, गांव बुड्डा खेड़ा, तहसील उकलाना, जिला हिसार, फोन नंबर है 98-127-96-919। तो आज जेर जार गेर के बिल्कुल सही है, नक्की है जी। अच्छा, कब बच्चा दिया इसने फिर? इसने कल दिया जी, शाम को। कल शाम को बच्चा दिया? हाँ। तो कुछ खीस भी निकाला हुआ इसका? खीस निकाला इसका कम से कम 7-8 किलो। 7-8 किलो खीस निकाल दिया। तो भाई देखो, एक दुधारू पशु की पहचान होती है भाई, इतना खीस निकलने के बाद तो बच्चा ने भी पिया होगा लाजमी। बच्चा ने पिया है जी। हाँ, तो मान लो लगभग लगभग मिला 10-1 किलो का अंदाज है। क्यों, गर्मी ज्यादा है ना? गर्मी ज्यादा है और अभी भी सडर पोजिशन में है, तो गैप बन गई जरूर दिखाता, पर भाई उस समय पे मजबूरी थी, क्योंकि भाई मैंने भाई थी कहा था मैं एक बार बच्चा दे दे उसके बाद पशु दिखाना सबसे बेटर हुआ है। हाँ जी, क्योंकि ढके ढोल कुछ और उगड़े पाछे कुछ कुछ। तो भाई ये बात बताओ भाई मेरे को अग्रसेन भाई, कि बच्चा जब इसने दिया, मतलब कोई दिखाया लाल फूल दिखाया कुछ करे? नहीं जी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नॉर्मल तरीका से बच्चा दिया, नॉर्मल डिलीवरी हुई है। हाँ, नॉर्मल। अच्छा, तो किसकी बेटी है आप दोबारा फिर बता दो? ये युवराज की बेटी है जी। अच्छा, युवराज की बेटी है। देखो भाई आजकल तो सीमन अवेलेबल होने भी बंद हो गए, और युवराज की बेटी है भाई, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि भाई ब्रीड लाइन अलग से ही दिख जा है। तो माँ का मिल्क रिकॉर्ड की रहा अग्रसेन? 23.5 किलो था जिसकी माँ का मिल्क रिकॉर्ड। अच्छा, 23.5 किलो इसकी माँ का मिल्क रिकॉर्ड था। हाँ जी। तो पहले ब्यांत में अपने पास है, पहले ब्यांत इसका कटड़ा था जी। अच्छा, इसका कटड़ा था पहले ब्यांत में। हाँ, वो सेल कर दिया फिर? सेल कर दिया जी, वो 1,23,000। 1,23,000 रुपया का? हाँ जी। कहाँ पे सेल किया भाई जी? वो पंजाब की पार्टी थी जी, कोई डेयरी वास्ते ले गया था। अच्छा अच्छा, मतलब अपने ब्रीड सुधारने के लिए? ब्रीड सुधारने के लिए। अच्छा, तो फर्स्ट टाइमर में मिल्क रिकॉर्ड कितना रहा आपने जो? इसका 17.5 किलो जी। 17.5 किलो। हाँ जी। और दूसरा इलेक्ट्रिशियन में भाई? दूसरे इलेक्ट्रिशियन में इसने 22 किलो निकाला है, HLDV में 19 किलो, 755.5 ग्राम है। 756 ग्राम है। हाँ। इतना फर्क क्यों कर भाई, जैसे कि वहाँ पर तो इतना दे दिया? वो उस टाइम मच्छर ज्यादा थे भाई साहब। अच्छा अच्छा, उसके 20 दिन बाद में जिस तरह मच्छर कम हुए नहीं, उस तरह दूध बढ़ गया। तो भाई देखो, मैं जो भाई का एक बार दिखाइए भाई वो HLDV का रिकॉर्ड दिखाओ, ताकि कन्फर्म हो जाए लोगों ने कि भाई जो एक दूध रिकॉर्ड कराना जरूर, क्योंकि इस बिना कुछ नहीं। आज भाई भी छुट्टी मार रहे। हाँ, यो आज बोले इस पे रहेंगे आज 7 दिन। अच्छा,
काल की छुट्टी, काल दो दिन पहला छुट्टी थी, आज भी छुट्टी मार ली। अच्छा भैंस बहन ही खुशी होगी, भैंस बहन की खुशी में। अच्छा भैंस बहन की खुशी में भाई, भाई ने भी छुट्टी मार लिया। तो भाई देखे भाई, जो इसका फोटो भाई मैं आगे स्क्रीन के ऊपर लगा दूंगा, पूरा बायोडाटा भाई का इसके अंदर है भाई। उगर से नाम है सनोफ डॉटर, इसका सनोफ नरसी राम। तो पूरा रिकॉर्ड है इसके अंदर, ये खाली हुई 9206 पे। हाँ जी। और फिर फर्स्ट टाइमिंग की 9936 9936 फिर बद दी गई। अच्छा अच्छा, फिर 9564 10134। तो खूब मिल्क रिकॉर्ड कराया इसने सेकंड टाइमर में। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, शायद इस साल भी बहुत अच्छा नाम रिकॉर्ड करे। अच्छा निकाम। और जिस भाई के पास जा, हाँ जी, सबसे मेन बात है उसको भी एक अच्छा रिकॉर्ड बना के कर दे, जरूर दे जी। देखो क्योंकि 22 किलो दूध थोड़ा ना होता जब काटा पर रखा है। अब की बार तो 25 से पार होने की संभावना है, संभावना देखो लाजमी है। अगर 22 किलो पिछले ब्यांत पर अपना घर नहीं दे दिया, क्योंकि देखो वहां पर पशु स्ट्रेस में हो जाए है, और उसके बाद जो घर पे दूध निकाला ना, पशु स्ट्रेस फ्री दूध दे है। उस टाइम 6 दांत थी उस टाइम, दूसरे टाइम अभी तो पूरे दांत भर गए। तो देखो भाई बहुत ही अच्छा पशुधन आज आपके समक्ष रखने की कोशिश की, क्योंकि ऐसा पशुधन भाई शायद ही 2000 बैसा में एक छोटी ऐसी देखने को मिले भाई, आराम से। तो इसका मोल भाव जो अपन पिछली वीडियो में कराया था सेम वही रेट, आज भी वही रेट है, जब तक मिल्क रिकॉर्ड नहीं लग जाता अगला। अच्छा, मिल्क रिकॉर्ड नहीं लग जाता 25 प्लस, हाँ जी, तब तक वही रेट है। दोबारा बताओगे एक बार क्या रेट बोला था? 9 लाख रुपए है जी। 9 लाख रुपए रेट। देखो भाई, जो ब्रीड लाइन को पहचानेगा और जो दूध की क्षमता और क्वालिटी को पहचानेगा नगरसेन भाई, हाँ जी, वो दाम लगाते हुए नहीं डरता, क्योंकि देखो ये आम पशुपालक तो ले नहीं सकता। नहीं जी, जो ब्रीडर है जिसने पूरी उम्र इस ब्रीड लाइन पर काम करना है, हाँ जी, वो इसको बखूबी समझेगा। और जो भाई साहब मैंने देखा ना भाई, नीचे से जो टिट स्पेस है, हाँ, क्योंकि जो मजबूत थन देखे ना, हाँ जी, बहुत बढ़िया धार पुसाव की सख्त था इसका, एक नंबर का है जी, एक नंबर का, हाँ जी। तो वीडियो छोड़ने का शायद मेरे हिसाब से किसी का मन करे, क्योंकि ऐसा पशुधन बार बार दिखाई नहीं देता भाई। तो अब की बार उम्मीद 25 प्लस की जी। अच्छा, तो जो नीचे अपना यू अभी कटड़ा जन्म दिया इसने, कटड़ा जन्म दिया। अच्छा, जी, दारा का बेटा है। अच्छा, दारा का बेटा है ये। तो देखो भाई, एक जो कटड़ा का भी कलर है बहुत जेड ब्लैक कटड़ा है, हल्का सा, वैसे सिर्फ 2 पूंछ बाल में सफेद बिल्कुल 2। तो देखे भाई बहुत अच्छा, आज भाई ने जो पशुधन तैयार किया था, जो मेहनत करी थी, आज वो रंग लेकर के आई है। और मैं तो आशा करूं हूं भाई कि आपने भी ये वीडियो पसंद आओ, और ब्रीड लाइन जो आप समझोगे तो भाई आप बखूबी इस चीज पर कमेंट जरूर करियो, क्योंकि भाई कमेंट तो हौसला बढ़ा है काम पशुपालक का भी, और एक जिसने मेहनत की भाई इसके ऊपर अपनी दिन दोगुनी रात चौगुनी, बिल्कुल, तो उसका भी हौसला बढ़ा, हौसला बढ़ा है। देखो भाई भी कमेंट पढ़ा है पिछली वीडियो में, भाई कईया ने पशुधन की इतनी तैयारी नहीं थी क्योंकि बच्चा देने में समय शेष था, तो तब 2-4 भाइया ने मतलब 10 दिन ले लिए, गलत 10 दिन ले लिए, गलत कमेंट भी करे, क्योंकि उस टाइम पर पशु तैयार नहीं था। वो तो अपनी अपनी सोच है जी, बिल्कुल। देखो उस टाइम पर जिसने क्वालिटी पहचानी उसने ये कमेंट भी कर रखा है कि बहुत अच्छा पशु, बहुत अच्छा पशु है। रेट के ऊपर किसी ने बात नहीं की, क्योंकि जो चीज अच्छी होती है वो रेट मायने नहीं रखता उसके लिए, जो चीज अच्छी होती है। तो आज फिर भाई का जो नायाब नगीना लेकर के आए भाई आपके सामने, बहुत इसकी मिल्किंग भी थोड़ी थोड़ी दिखा दो एक बार, जरूर दिखाएं जी। चलो तो भाई आगे लगातार वीडियो में जुड़ते रहो, और वीडियो में लगातार जुड़ने से पहले भाई एक चीज जरूर कहूंगा, क्योंकि आजकल जो ज्यादा पशु रखे हैं या 1-2 पशु रखे हैं, रिपीट की समस्या बहुत ज्यादा है, तो भाई उसके लिए न्यूट्री डाइट, न्यूट्री डाइट हमने खिलाए जी सब पशुओं को दे रहे हैं, क्योंकि भाई एक ऐसा मतलब नाम है भाई जो न्यूट्री डाइट है, क्योंकि इसको हर कोई पहचाने, हर कोई जाने है, क्योंकि बार बार जो रिपीट होने की समस्या वो खत्म हो जाए, और पशु की दूध की ग्रोथ और एक जो शारीरिक ग्रोथ है वो भी बहुत अच्छी हो भाई। तो आप भी आशा करो कि भाई आप भी न्यूट्री डाइट खिलाएं, ताकि आपका पशुधन हर साल बच्चा दे और एक अच्छा दूध रिकॉर्ड अपने नाम हर साल करता रहे। इसका नंबर 7 के साथ आपको मिलता रहेगा, और अमेजोन फ्लिपकार्ट या किसी भी मेडिकल स्टोर पर आप इसको उपलब्ध कर सकते हैं। तो भाई मिल्किंग दिखाओ उग्रसेन भाई, जरूर। उग्रसेन भाई मजा आ रहा है? मजा आ रहा है जी। तो वह काफी बहुत अच्छी स्पष्ट मिल्किंग है भाई की। तो ये देखे भाई जो पीछे से काफी हद तक लाजवाब है। तो अगर सेन भाई मैं मार के देखू तो एक धार है, मारो जी। तो वह काफी हद तक जो लाजवाब मिल्किंग है करते वक्त भी भाई मजा आवे है। इसने तो वही बात होकर भाई ट्यूबवेल है चाले हैं मिल्किंग के, समरसीबल वर्गी।
तो देखे भाई स्पेस जिस भैंस का होगा भाई उसका तो मिल्किंग कर देना भी स्वाद आवे। अरे कितनी मोटी दार बना लो कृष्ण भाई बिल्कुल काफी हद तक लाजवाब मिलती है। कृष्ण भाई बहुत हो गया होगा, कितना निकालोगे अभी खीस? दो चार किलो हाँ थोड़ी ही आराम मिल जा जुफ्टी को। तो चलो भाई इसी के साथ जो भाई ने मिल्किंग भी दिखाई इसके साथ, तो जो मिल्किंग है भाई बहुत ही बेस्ट है अपनी तरफ से, क्योंकि खुद भी मिल्किंग करके दिखाई है। तो इसी के साथ भाई मैं आपका अपना छोटा भाई राहुल सियाग, तो फिरते हैं आप सभी को भाई शुभकामनाएं देता हूँ कि आप ऐसे ही प्यार देते रहे भाई हमें, और चैनल को सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें ताकि आगे चल के भाई हम भी थोड़ा और अच्छा काम करने की कोशिश करें, क्योंकि अभी अग्रसेन भाई की मिल्किंग चालू है। तो इसी के साथ राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, ऐसे ही प्यार बनाए रखें भाई।